ओके प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट 24 के बाद हम 25 क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में हैं। ठीक है, तो 72 आपने बनाया ही होगा। 72 का क्या आंसर आया है, कोई बतलाना चाहोगे? 33 होल 1/3%। 33 and 1/3%, क्या सबका है? यस सर। यस सर। बतलाने की आवश्यकता है तो बोलोगे, डाउट थोड़ा सा भी हो तो सर बतला दीजिए। कोई बात नहीं, जल्दी बनाने के लिए, सेकेंड से बनाने के लिए थोड़ा बतला रहा हूँ। एक्स इज हाफ ऑफ वाई। ओके, हाफ कह रहा है तो 200 मान लेते हैं वाई को, और 100 क्या हो जाएगा, ये 100 मानते हैं तो 50 हो जाते हैं, 200 माने थोड़ा समय बच जाएगा। एक्स इंक्रीज करता है 50%, तो 50% इंक्रीज करेगा तो 150 हो जाएंगे, राइट ना। और 25% इंक्रीज करता है वाई में, तो 200 का 25% कितना हो जाएगा, 50 क्या, तो 200 का 25% क्या हो जाएंगे आपके 50, राइट। तो 200 का 25% 50 ऐड होगा तो 250 हो गया। तो कहता है कितना टोटल इंक्रीज किया, तो देखने से लग रहा है दोनों पहले 300 थे, अब दोनों कितने हो गए, बढ़ने के बाद दोनों कितने हो गए, 400 हो गए। तो बढ़ा कितना, 100 बढ़ा, 100 किससे बढ़ा, 300 से बढ़ा है। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 100/3 यानी कि 33 and 1/3% हो गया। क्लियर है? ठीक है, कैलकुलेशन में इजी करने के लिए हमने यहाँ पर 200 और 100 मान लिया। ठीक है, बात तो समझ गए होंगे। 73 बनाया है, 73 का आंसर बिल्कुल सही जवाब है, कांट भी डिटरमाइंड तय नहीं कर सकते हैं, या कभी कभी इसके जगह पर हो जाएंगे, तय नहीं कर सकते, इसके जगह पर हो सकते हैं, डाटा इज नॉट सफिशियंट, डाटा इज नॉट सफिशियंट, आंकड़े अपर्याप्त, ये दोनों का मतलब यही हो गया। अब ये आखिर क्वेश्चन है क्या, इस बात पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है मार्क्स ऑफ साइंस एस फॉर साइंस इज, इज जहाँ भी हो वहाँ इक्वल का साइन देने हैं, 40% एंड 30 मोर मार्क्स ऑफ साइंस हिस्ट्री एंड मैथ। अच्छा, साइंस में कितने मार्क्स मिले, साइंस प्लस हिस्ट्री प्लस मैथ में मिलाकर जितने टोटल हुए हैं उसके 40% से 30 ज़्यादा मार्क्स मिले। ओके, ये पहला सेंटेंस ये क्वेश्चन में कह रहा है कि साइंस में कितने मार्क्स मिले हैं, तो इन तीनों का सम कर दो, इन तीनों का सम कर दिया जाए उसके 40% से 30 ज़्यादा मार्क्स है साइंस में। तो साइंस का मार्क्स साइंस हिस्ट्री मैथ के तीनों का सम का 40% 30 ज़्यादा है, पहला इक्वेशन ये कह रहा है। इस इक्वेशन में तीन अननोन है, साइंस भी नहीं पता है, हिस्ट्री भी नहीं पता है, मैथ्स भी नहीं पता है। अगर अब कह रहा है हिस्ट्री में मार्क्स कितना मिला, 80 मार्क्स। अब देखो हिस्ट्री में कितना कह रहा है, 80 मार्क्स मिला है, तो हिस्ट्री की जगह हम 80 रख देंगे। तो पूछ रहा है कि मैथ्स में कितने मार्क्स मिले, अब बताओ, यहाँ पूछ रहा है कि मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं, तो मैथ्स का मार्क्स, यहाँ मैथ्स का मार्क्स निकालना है, तो मैथ्स का मार्क्स निकालना है। तो साइंस का मार्क्स अगर पता हो, यहाँ साइंस भी नहीं पता है, मैथ भी नहीं पता है, अगर मैथ का निकालना होता, अगर मैथ का निकालना हो तो साइंस की देने की आवश्यकता होती। तो इस प्रकार एक इक्वेशन में दो अननोन है तो हम तय नहीं कर सकते हैं, कांट बी डिटरमाइंड, इसलिए आंसर क्या होगा, तय क्यों नहीं तय कर सकते वो भी आपने देखा, राइट ना। क्योंकि एक इक्वेशन में दो अननोन, जैसे यहाँ पर मैं हिस्ट्री की जगह 80 दे दिए, अगर साइंस दे देते 60 मार्क्स है तो मैथ का निकल जाता, मैथ का जाता 50 मार्क्स मिले हैं तो साइंस का निकल जाता। बात तो समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट, जिनको नहीं समझ में आया था। yes. ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फोर्थ डॉट कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी राइट आंसर कहलाते हैं। तो यहाँ आंकड़े अपर्याप्त है, अगर साइंस का मिल जाता तब मैथ का निकाल लेते, मैथ का मिल जाता तो साइंस का निकाल लेते। 74 नंबर, 74 बनाया हो, क्या आंसर है 74 का? 60% सर, जो बनाया है बदलाएंगे, 60%। एक जवाब आया 60%, 60% सबका है या डाउट है? डाउट बदल, डाउट है सर, नहीं बोलना, इसका मतलब डाउट है। देयर आर 40% पीपल इलिटरेट, इलिटरेट टोटल अगर 100 होते तो 40 क्या है, इलिटरेट है, 40 क्या है, इलिटरेट है, तो बाकी 60 क्या हो जाते हैं, लिटरेट हो जाते हैं। अब कहता है एंड 60% पुअर, गरीब कितना है, तो गरीब कहता है 60 है तो बाकी क्या हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे, रिच कितने हो जाएंगे, 40, जैसा इन्फॉर्मेशन है, राइट। अब देखो क्वेश्चन में कहता है अमॉन्ग रिच 10% इलिटरेट, इस रिच में 10% क्या है, इलिटरेट है, इलिटरेट है, 10% का कितना हो गया, 4, ठीक है। तो बाकी 36 क्या हो जाएंगे आपके, बाकी 36 क्या हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे। ओके, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ, ओके देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ इलिटरेट अमंग पुअर।
तो यहाँ देख रहे हैं हम इलिटरेट टोटल हैं कितने, इलिटरेट टोटल यहाँ पर कितना है 40 है, और 40 में से चार इलिटरेट कहाँ पर चले गए हैं रिच में, तो 40 में से चार इलिटरेट जब इच में चले गए रिच में चले गए तो बाकी बच गए 36 इलिटरेट, तो 36 इलिटरेट कहाँ होंगे, पुअर में होंगे क्या, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 36 जो इलिटरेट पुअर में है तो वो कितना परसेंटेज है अमोंग पुअर कह रहा है, अमोंग क्या कह रहा है, पुअर कह रहा है, तो 36 और टोटल पुअर कितने हैं आपके 60 है पुअर, तो आंसर क्या निकल जाएंगे 36 अमोंग 60 इंटू परसेंट में निकालने तो 100, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका 60%। बात समझ गया होंगे, क्लियर है कि फिर से एक बार आगे बढ़ो, क्लियर है सर, बहुत अच्छी बात है। 75 बनाए हो, यस सर 150 सर, 75 का 15,000 बता दीजिए सर इसको, जी बतला देता हूँ, ध्यान देंगे। ए क्लर्क सेव 20% ऑफ हिज सैलरी बाय एनी रीजन ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, ओके। तो इनकम यदि इसका 100 होता तो ये सेव करता है 20, तो बाकी 80 क्या करता होगा, एक्सपेंडिचर एक्सपेंस करता होगा क्या, ओके। अब कहता है किसी कारणवश से उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है, तो एक्सपेंडिचर 80 था, 80 का 20% कितने होंगे 16, तो 16 बढ़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 96। नाउ ही सेव 600, अच्छा इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना, पहले इनकम इतना ही था 100 का 100 ही था, लेकिन किसी कारणवश 80 पहले खर्च करता था, अब उसका खर्च 20% बढ़ गए हैं, तो खर्च 20% बढ़ गया तो 80 का 20% कितना होगा 16, 16 क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे तो अब वो 96, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या निकल के आएगा सेविंग, तो अभी वो सेविंग कितना कर रहा है 4, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है नाउ, नाउ कितना अभी वो कितना सेव कर रहा है, तो अभी सेविंग कर रहा है 600 रुपये, यानी कि 4 बराबर कितने हैं 600, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा 150, 1 इज इक्वल टू 150, तो इसका इनकम पूछता है तो 1 इज इक्वल टू 150 है, तो इनकम इसका 100 माने थे, 1 इज इक्वल टू 150 है तो 100 इंटू 50 कितने हो जाएंगे 15,000, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15,000। जिनका भी डाउट था क्लियर हो गया क्या, 76 बनाए हो, 76 डाटा इज नॉट सफिशियंट, बिल्कुल लगभग सेम क्वेश्चन है जैसे 74 बना रहे थे, तय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तय नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं बताते हैं, कर सकते हैं, आंकड़े अपर्याप्त है, डाटा इज नॉट सफिशियंट, डाटा कहीं ना कहीं और चाहिए तब जाके बनाएंगे। अब देखो ना क्वेश्चन में कहता क्या है, ज्योग्राफी का मार्क्स इज यानी इक्वल 40% टोटल मार्क्स ऑफ साइंस एंड हिस्ट्री, साइंस और हिस्ट्री के मार्क्स को मिला दो उसका 40% जो निकालोगे ना वो किसका मार्क्स होगा, ज्योग्राफी का मार्क्स होगा। अब इफ मार्क्स ऑफ साइंस इज 20 मोर देन हिस्ट्री, अच्छा कहता है साइंस का मार्क्स है कितना हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का खुद पता नहीं है लेकिन जितना भी हिस्ट्री का होता है उससे 20 क्या होते हैं ज़्यादा होता है, तो साइंस के जगह में 60 प्लस हिस्ट्री प्लस 20 कर देते हैं, तब पूछता है ज्योग्राफी का मार्क्स क्या है बताइए, ये फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड कर ले, हिस्ट्री का भी तो पता ही नहीं था, हिस्ट्री का मार्क्स कितना है पता नहीं था, तो एक इक्वेशन में दो अननोन है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं तय नहीं कर सकते हैं। बात तो समझ गए, कभी कभी कुछ स्टूडेंट क्लास में बोल देते हैं सर हिस्ट्री को हम 100 मान लेते हैं, तो 100 क्यों मानेंगे, थोड़ी कह रहा है साइंस से हिस्ट्री का मार्क्स साइंस से 20% ज़्यादा, ये थोड़ी कह रहा है, परसेंट ज़्यादा भी कहता तो मानते 100 तो 120, फिर भी 100 के तो हम मान रहे हैं, एग्जैक्ट हिस्ट्री का थोड़ी पता चलेगा क्या है जब तक नहीं देगा तब तक, इसीलिए आंकड़े अपर्याप्त है। डाउट क्लियर हो गया, जो भी डाउट हो सकते थे वो मैंने क्लियर किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, आगे बढ़े नेक्स्ट, आगे बढ़े हम लोग, कोई डाउट 76 तक,